हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अपने दूसरे ये मेरा चैनल जो ये सेकेंडरी चैनल है, मेरा जो मेन चैनल है उस पर मैं कंटेंट बनाता हूँ, पॉलिटिकल और पब्लिक अफेयर्स के ऊपर बनाता हूँ। और जिसमें मैं कई सारे मर्डर केस एक्सप्लेन करता हूँ, कई सारे जो पब्लिक अफेयर्स में जो केसेस होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब एकदम इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज वो मुद्दा नहीं है। मैंने आज से लगभग एक हफ्ते पहले फ्लिपकार्ट से एक ट्राईपॉड मंगाया था जो मुझे बहुत पसंद आया था। देख कर तो ये वो ट्राईपॉड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। जो बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो वो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो बिल्कुल सच बात है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन मेरे को इसमें एक डिफेक्टिव चीज़ मिली है। अब आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो, ये मैंने अभी अभी जस्ट आया 15 मिनट पहले, और मैंने ये देखो ये दिखा तो ये पहले से डिफेक्टिव ऐसा मुड़ा ही हुआ आया था। और एक और है, इधर भी है, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे भी है। और ये ट्राईपॉड अच्छा है लेकिन ये डिफेक्टिव है, ये पहले से ही ऐसा टूटा हुआ आया, तो इसको तो मैं वापस कर ही दूँगा, ये अलग चीज़ है। एक और ये तो चलो हो सकता है शिपिंग में हो गया हो, ऊपर नीचे रखने में या दब गया हो किसी चीज़ के कारण, तो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन इसका जो आपने देखा होगा नॉर्मली ये फ़ोन होल्डर जो होता है, ये फ़ोन होल्डर सबसे मेन चीज़ है एक ट्राईपॉड की, इसके बिना आप फ़ोन को लगा ही नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है ना, देखो यहाँ पे स्क्रू है, इसके यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ये ऐसे माउंट होगा, ऐसे माउंट होगा तो मैं क्या आसमान की वीडियो बनाऊँगा या अपना फेस कैम की वीडियो बनाऊँगा, अपना फेस दिखाऊँगा, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा। अब इसमें देखो बॉल नहीं है, जो 360 डिग्री घूमने वाली जो बॉल होती है ना वो बॉल नहीं है। बाकी जो अभी जो ट्राईपॉड मेरा जिसमें फ़ोन लगा हुआ है इसमें बॉल रहती है, ये थोड़ा प्रोफेशनल वाला है। ये थोड़ा मैंने लिया था कि मैं लाइट वगैरह लगा सकूं अपने सामने, ताकि फेस जो मेरा है वो पीछे दिख रही है लाइट, वैसी कुछ लाइट आगे लगा सकूं या तो रिंग लाइट लगा सकूं। तो ये ऐसे लगेगा, तो क्या मैं इसको ऊपर ऊपर कैमरा फेस करूंगा क्या? अब यहाँ पे एक और होल दिया है लेकिन इसके अंदर नट नहीं है। तो जब नट होगा ही नहीं भाई, तो जब नट ही नहीं है, ठीक है, ट्राईपॉड का तो हम देख सकते हैं कि भाई हो सकता है कि शिपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन जिसने ये पैक किया है उसने तो कुछ कुछ तो भाई कुछ तो घुसा होगा दिमाग में कि भाई कैसे यूज़ करेगा बंदा। तो ये है फ़िलहाल, तो यही अभी इसको मैंने रिटर्न डाल दिया है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा बाद में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फ्लिपकार्ट को कम से कम इतना तो अपने जो भी डीलर्स हैं, जो भी शॉप वाले हैं, उन सबको ये बताना चाहिए कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट शिप करते हो तो कम से कम जांच लो एक बार कि क्या नहीं है, क्या ये क्या अंधे हो के आपने पैक किया है क्या भाई, कैसे मतलब। तो इसको तो मैंने रिटर्न करा है, अब इसको मैंने मंगाया था लगभग आज से एक हफ्ते पहले, तो ये मुझे आज मिला है। आज तारीख है 29 सितंबर, तो आज मुझे मिल गया है। और मैंने जैसे ही अनबॉक्सिंग की और मैंने इसको खोला तो मेरे को ये मिला, तो मैंने उसी टाइम रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया। अब बोल रहे हैं कि रिटर्न जो होगा वो 12 अक्टूबर को लेने के लिए आएगा बंदा, पिकअप वाला भी 12 अक्टूबर को होगा। तो लगभग मेरे कितना, आज कल 30 है, तो लगभग मेरे वही 12-13 दिन वापस बर्बाद होंगे इसी कारण। तो इतने टाइम से वेट किया, 7-8 दिन से वेट कर रहा था, अब वापस 12-15 दिन लगेंगे। तो फ्लिपकार्ट को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ऐसा तो काम ना ही करो तो बेहतर है। वैसे भी आपके दिन ख़राब चल रहे हैं, अभी कई बार मैंने देखा है कि आईफोन की जगह साबुन की टिक्कियां भेज रहे हैं जो भी शॉप वाले हैं, या फिर जो भी बीच में थर्ड पार्टी वाले जो लोग होते हैं। तो कम से कम ऐसा तो मत करो यार कि कोई बंदा परेशान हो। मैं तो कई सालों से यूट्यूब पे हूँ, तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 3 और ट्राईपॉड हैं, 3 छोटे ट्राईपॉड हैं, एक बड़ा बिग साइज़ का ट्राईपॉड है। लेकिन जो बंदा अभी अभी यूट्यूब करने वाला है, जो बंदा जस्ट अभी कदम ही रखा यूट्यूब की दुनिया में, उसने अगर पैसे जोड़ के अगर ऐसा कोई ट्राईपॉड मंगाया है तो उसको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि सेविंग्स करके ऐसी चीज़ें लेते हैं और उनको ये सब चीज़ें लेने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है कि लूँ कि ना लूँ। कई लोग तो हाथ में मोबाइल रख के वीडियो बनाते हैं। तो फ्लिपकार्ट को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सोचे, कि रिव्यूज़ अच्छे थे इसलिए मैंने इसको लिया था, लेकिन इसका डिफेक्ट निकलना मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया। और ठीक है, वो तो मैं चला भी लेता अगर ऐसा होता तो, लेकिन इसका तो मैं क्या ही करूँ, इसमें तो नट ही नहीं है तो लगेगा ही नहीं, तो क्या काम का।
तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें आपने प्रोडक्ट मंगाया और ऐसा कुछ गड़बड़ निकला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि 10 लोगों के बारे में बताऊं कि इनको ऐसा ऐसा निकला है, तो आप वो भी बताइएगा। अगर होगा मेरे पास इतनी स्टोरी होगी बनाने के लिए, अगर लोग डालेंगे नीचे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं उसको एक टॉप 10 करके या फिर ऐसा 10 लोग या 5 लोग का करके एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो निकल सके। तो अगर आपको मेरा दूसरा चैनल चेक करना है जो मेरा मेन चैनल है, तो आप कार्तिक दुबे लाइव सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। उसमें मैं क्वालिटी कंटेंट बनाता हूँ। ये वाला चैनल है, ये मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस और ऐसी चीज़ों के लिए जो नॉन पॉलिटिकल टॉपिक्स वगैरह हैं उनके लिए करता हूँ। तो ये वाला चैनल भी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा है, बाकी वो वाला चैनल ज़रूर एक बार देखिएगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।